नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विक्रम जैन, मैं KDMC और कल्याण कोविड टास्क फोर्स की ओर से आपको घर पर होम क्वारंटाइन करके आपको कोविड की ट्रीटमेंट कैसे की जा सकती है इसकी कुछ अहम जानकारी देने आया हूँ। होम आइसोलेशन ऐसे लोगों का किया जा सकता है जिन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ ना हो या कोई भी तकलीफ़ ना हो, सिर्फ उनका रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव हो। तो ऐसे लोगों को घर पर क्या सावधानी लेके अपनी ट्रीटमेंट करनी चाहिए, इसके बारे में मैं आगे आपको जानकारी दूंगा। घर पर होम क्वारंटाइन रह के ट्रीटमेंट कौन कर सकता है? सबसे पहला, वह व्यक्ति जिसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं है या जिसे कोई भी तकलीफ़ नहीं हो रही है, सिर्फ उनका कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव है। सो ऐसे ही व्यक्ति अपनी ट्रीटमेंट घर पर रह के कर सकता है गोलियों द्वारा और अपने डॉक्टर की देख रेख में। जिस व्यक्ति के घर एक अलग रूम की व्यवस्था हो जहाँ पर टॉयलेट बाथरूम अटैच हो, तो वह अपनी ट्रीटमेंट घर पर रह के कर सकता है। घर से परिवार से उनको एक जवाबदार व्यक्ति जो 18 वर्ष के ऊपर हो, वह उनकी देख रेख की जिम्मेदारी ले सकता है। हर इंसान जो घर में रहते हो उनको अपनी टेस्ट करानी ज़रूरी होगी और उस टेस्ट के हिसाब से उनको अपनी प्रोफिलेक्टिक दवाइयाँ भी शुरू करनी होगी। हर जो व्यक्ति अपनी ट्रीटमेंट घर पर रह के करना चाहता है, उन्हें आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। केयर टेकर जो होगा, उन्हें भी आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। उसमें उसे हमेशा उस ऐप को चालू रखकर ब्लूटूथ या वाईफाई के सहारे उसको ऑन रख के अपनी सभी इंफॉर्मेशन आसपास के लोगों को दी जाएगी। घर में रहने वाले व्यक्ति को अपनी सारी हेल्थ रिलेटेड, स्वास्थ्य रिलेटेड जानकारी अपने मेडिकल ऑफिसर या अपने ट्रीटिंग फिजिशियन को समय समय पर भेजनी होगी। इस चीज़ के लिए वह बाधित रहेगा। यह सभी ट्रीटमेंट जब वो घर पे रह के करेगा तो उसे KDMC के मेडिकल ऑफिसर को एक डिक्लेरेशन फॉर्म साइन करके जमा करना होगा। घर पर ट्रीटमेंट लेते समय आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, इसके बारे में कुछ अहम जानकारी आपको मालूम होना बहुत आवश्यक है। अगर घर पे ट्रीटमेंट लेते वक्त जो आपकी गोलियाँ है वो आपको समय समय पर लेते रहना है और अपने आप का ध्यान रखना है। आपको अपना ऑक्सीजन लेवल हर 4 घंटे में चेक करते रहना है और अगर वो 95 के नीचे अगर पाया गया तो आपको आपके मेडिकल ऑफिसर या ट्रीटिंग डॉक्टर को या फैमिली फिजिशियन को समय समय पे बताते रहना है। हॉस्पिटल कब जाना, ये बहुत अहम निर्णय है। ये कब लेना चाहिए? जब कोई पेशेंट घर पे ट्रीटमेंट ले रहा हो और उसे सांस लेने में दिक्कत हो, उसका ऑक्सीजन लेवल 94 से नीचे हो, या उसके सीने में तेज़ दर्द हो, या सीने पर भारीपन या वजन जैसा महसूस हो, या वो कंफ्यूज्ड हो, या उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं ऐसा लगे, ऐसा कोई इंसान जिसके होंठ नीले पड़े या नाखून नीले पड़े, तो ऐसी स्थिति में उसे तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। अच्छा, ये तो रही सीरियस कंडीशन की बातें, लेकिन अगर सब ठीक चले तो आप कितने दिन घर पर रहेंगे, ये तो सवाल आपके दिमाग में आएगा। अगर आपके मन में ऐसी दुविधा है तो ये भी मैं क्लियर कर दूँ, आपको 17 दिन आपके घर में रहना है और अगर आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आए हैं तो उसके बाद आपको 7 दिन और घर में ही रहना है, लोगों से दूर, ताकि वो भी बचे रहे और आप भी ठीक रहे। जो व्यक्ति जवाबदारी लेकर पेशेंट की सेवा करेगा उसके लिए कुछ निर्देश है। सबसे पहले, उसने पेशेंट की सेवा करते वक्त हमेशा मास्क पहने रखना है। उसको मास्क अगर गीला हो जाए या गंदा हो जाए तो उसे इमीडिएटली या तो हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन में धो के फेंक देना चाहिए या बदल देना चाहिए। N95 मास्क पहनो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। हैंड हाइजीन, यानी हाथों को कैसे साफ़ सुथरा रखा जाए। हाथों को अच्छे से साफ़ रखने के लिए बार बार साबुन और पानी से धोया जाए। साबुन से तकरीबन 40 सेकेंड तक उसे रगड़ा जाए, हाथों को फिर उससे धोए, पानी से धोए। और हमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अल्कोहल यानी सैनिटाइज़र का यूज़ बार बार करें। हर 4 या 5 बार सैनिटाइज़र यूज़ करने के बाद एक बार अपने हाथ जो है साबुन और पानी से ज़रूर धोए। पेशेंट की सेवा करते वक्त आपको, जब आप पेशेंट के पास जाए, तो आपको मास्क और ग्लव्स पहनना ज़रूरी है। ये सभी काम करते वक्त आपको पेशेंट के हाथ लगाने के पहले हाथ धोना है और उसके बाद भी आपको अपने हाथ धोना है। हैंड सैनिटाइजेशन एंड हैंड हाइजीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पेशेंट की सेवा करते वक्त अपने आप को बचाने के लिए। अपने चेहरे, आँख और नाक को कभी हाथ न लगाएं। जब पेशेंट के पास रहे तो इस बात की विशेष जानकारी रहे। पेशेंट को खाना देते वक्त
आप जो बर्तन इस्तेमाल करेंगे अगर पेशेंट खुद चाहे तो उन्हें धो सकता है और सुखा कर बाकी वापस दे सकता है, या फिर डिस्पोजेबल प्लेट में भी आप उनको खाना दे सकते हैं। केयर टेकर अगर खाने के बर्तन धोए तो उसे ग्लव्स और मास्क पहनना अनिवार्य है और बर्तन को इमीडिएटली सुखा ले। पेशेंट के चद्दर, बेडशीट, पिलो कवर्स और बाकी जो पेशेंट की चीज़ें हैं वो सभी केयर टेकर ने अच्छे से धोना है और उनको सुखा कर ही रीयूज़ करना है। यह सब चीज़ें करते वक्त केयर टेकर ने मास्क पहनना और ग्लव्स पहनना अनिवार्य है, और हर चीज़ करते वक्त उसके पहले और उसके बाद भी अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना है। पेशेंट के मोबाइल, चार्जर या अन्य कोई वस्तु जिसके ऊपर वायरस लगने का, संक्रमण होने का रिस्क है, वो सभी चीज़ों से वो दूर रहे। घर में उसके रूम पर जो भी कांच या मेटेलिक सरफेस हो उन सभी चीज़ों को, जैसे डोर के हैंडल्स हो गए, इन सबको समय समय पर 1% हाइपोक्लोराइड से धोया जाए या साफ रखा जाए। इसकी विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। ये सब चीज़ करते वक्त, पेशेंट का ध्यान रखते वक्त, ये बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन पर भी ध्यान रखा जाए। अगर कोई पेशेंट जो है उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है या बाकी बताए गए लक्षणों में से कोई उनमें दिखाई दिया, तो उनका काम यह है कि वह इमीडिएटली आपको नज़दीकी हॉस्पिटल ले जाए या आपके ट्रीटिंग फिजिशियन या आपके एरिया के मेडिकल ऑफिसर से तुरंत संपर्क करें। अब मैं आपको बताऊंगा पेशेंट से सावधानी कैसी बरतनी चाहिए। पेशेंट अपने घर पर रहते वक्त अपने ही रूम में हमेशा रहे। वह रूम के दरवाजे को अपनी लक्ष्मण रेखा समझे और कभी बाहर ना निकले जब तक कि डॉक्टर की सलाह ना हो। रूम से बाहर ना निकले, अपने रूम में लगे टॉयलेट बाथरूम का ही इस्तेमाल करें। मास्क लगाए रखें और मास्क हर 8 घंटे में या तो बदल दिया जाए या उसे 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से धो के सुखा लिया जाए। उसे खास तौर से रेस्पिरेटरी एटिकेट्स यानी छींक आने पर, खांसी आने पर जो चीज़ें ठीक से करनी चाहिए, ताकि अपना मुंह ढके रखे ताकि दूसरों को संक्रमण से बचाया जा सके। पेशेंट बार बार अपने हाथ साबुन और पानी से धोए। हर बार साबुन लगाते वक्त 40 सेकंड तक हाथ को मलिए और पानी से धो लीजिए। बीच बीच में अल्कोहल सैनिटाइज़र का भी इस्तेमाल कीजिए। हर 5 बार सैनिटाइज़र यूज़ करने के बाद आप 1 बार साबुन का प्रयोग कीजिए। अपनी सारी दवाइयाँ जो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या अन्य बीमारी के लिए चल रही हो, उनको भी नियमित इसी दवाइयों के साथ लेते रहे। इस बीमारी से ठीक होने के लिए सबसे अहम है आराम। शारीरिक और मानसिक आराम बहुत ज़रूरी है, और अपनी दवाइयाँ नियमित समय पर ले, प्लस बहुत सारा पानी पिए। इस बीमारी में हाइड्रेशन यानी पानी की शरीर में उपयुक्त मात्रा होनी बहुत ज़रूरी है। समय समय पर पानी पीते रहे, पूर्ण आराम करें, आप जल्दी स्वस्थ और निरोगी बनेंगे। अपनी सारी पर्सनल चीज़ें किसी से शेयर ना करें, अपने रूम में ही बने रहें। अपने रूम को सैनिटाइज करने में अपने केयर गिवर की मदद करें, और ये सभी चीज़ें करके आप अपने आप को घर पर ही 10 दिन में पूर्णतया स्वस्थ कर सकते हैं। अपनी बीमारी का पूर्ण ध्यान रखें, बीच बीच में टेम्परेचर थर्मामीटर से देखते रहें। अगर आपको बुखार हो तो अपने केयर टेकर को या अपने डॉक्टर को सूचित करें। अपने ऑक्सीजन लेवल को नियमित रूप से देखते रहें। अगर 94% के नीचे मिलता है तो अपने केयर गिवर या डॉक्टर को सूचित करें। और इसी सब चीज़ों के साथ मैं आपको जल्दी स्वस्थ होने की आपके लिए कामना करता हूँ, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्पीडी रिकवरी।